प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले गिफ्ट्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी NGMA दिल्ली में आयोजित इस नीलामी में जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल सरकार की महत्वपूर्ण नमामि गंगे योजना में होगा। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के मुताबिक देश और विदेश में प्रधानमंत्री को मिले 1900 गिफ्ट्स की नीलामी के लिए रखा गया है। गिफ्ट्स की ई नीलामी के लिए खास वेबसाइट शुरू की गई है। इस पर गिफ्ट्स की जानकारी भी दी गई है। इन गिफ्ट्स में शामिल स्मृति चिन्ह की कीमत 100 रुपए से 30,000 रुपए के बीच है। कीमत के आधार पर गिफ्ट्स के बारे में वेबसाइट पर सर्च किया जा सकता है। पीतल, चीनी मिट्टी, कपड़ा, कांच, सोना, धातु की सामग्री आदि के आधार पर गिफ्ट्स की कैटेगरी बनाई गई है। हर गिफ्ट के साइज वजन की भी जानकारी है। प्रधानमंत्री को किसने वो उपहार दिया इसके बारे में भी बताया गया है। नीलामी में राधा कृष्ण की एक मूर्ति भी है जिस पर सोना चढ़ाया हुआ है। इसका बेस प्राइस 20,000 रुपए रखा गया है। सूरत में मांडवी नगर पालिका ने 4.76 किलोग्राम की ये मूर्ति प्रधानमंत्री को तोहफे में दी थी। सूची में सबसे महंगे स्मृति चिन्ह में 2.22 किलोग्राम की एक सिल्वर प्लेट भी है जिसकी कीमत 30,000 रुपए है। भाजपा के पूर्व सांसद सी नरसिम्हन ने प्रधानमंत्री को ये उपहार में दी थी। NGMA में 2 दिन चलने वाली नीलामी प्रक्रिया 28 जनवरी को खत्म होगी जबकि बाकी बचे उपहारों की ई नीलामी 29 से 31 जनवरी के बीच होगी। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी से नमामि गंगे योजना के लिए कितने पैसे इकट्ठा हो पाते हैं।